शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। किस्मत की लकीरों से आज तो हम इन दोनों माँ बेटी को अभय की नजर में गलत साबित करके ही रहेंगे। अरे मम्मी, अब ये सब क्यों कर रही है? उठिए। अरे बेटा, गलती से ना तेरे पापा से चाय गिर गई थी, और यशवी जी को तो घर साफ सुथरा पसंद है, तो उन्होंने कहा कि नाश्ता से पहले हम घर साफ कर दें। अब देखो, घर में तो नौकर चाकर है नहीं, तो जरा देखो तो कहीं दाग बाग तो नहीं है। आजकल तो हमारी नजर भी इतनी कमजोर हो गई, कुछ दिखता भी नहीं है ठीक से। अब हाँ, वहां देखना जरा। अब लाइए, मैं करता हूँ। अरे क्या कर रहे हो बेटा? मम्मी दो यार। अरे शर्ट गंदी हो जाएगी। नहीं होती है, ऑफिस जाना है। कुछ नहीं होता, दो ना। अरे छोड़ो ना, बोलते हैं तो हर घर में अलग तौर तरीका होता है। अब हम इस घर में हैं, तो इसी घर के तौर तरीकों के साथ हमें चलना होगा। अच्छा ठीक है, बाल्टी तो उठा के साइड पे रख दूं? अभी कमर में दर्द है। अरे हाँ, कमर में तो बहुत ज्यादा ही दर्द है। बस कोने में रख देना, कुछ छूना मत, हाथ गंदे हो जाएंगे तुम्हारे। हाँ मम्मी जी, मैं ऑफिस के लिए निकल रही हूँ। अरे बेटा, हमने तुम्हें अपने लिए दवा लाने को कहा था, ले आई तुम? नहीं मम्मी जी, आपने तो मुझे इसके बारे में कुछ भी नहीं बताया था। अरे हमने तुमसे कहा था, हमने कहा था कि हमें आजकल घुटनों में भी बहुत दर्द होता है, तो वो दवा ले आना, तुम लगता है भूल गई हो। नहीं नहीं मम्मी जी, मैं सच कह रही हूँ, आपने मुझे कोई दवाई लाने के लिए नहीं कहा था। अच्छा, लगता है कि ये काम वाम में भूल गई, पर अब याद करके ले आना श्रद्धा, बहुत कमर दर्द भी हो रहा है और घुटने में तो दर्द है ही, दोनों दवाइयाँ ले आना तुम। ठीक है? ठीक है मम्मी जी, मैं शाम को पक्का याद से ले आऊंगी। ठीक है, जा। मम्मी वैसे श्रद्धा आपका दिया काम कोई भूलती तो नहीं है, पर पता नहीं कैसे ये। अरे बेटा, हम समझते हैं, अब श्रद्धा मायके आई है तो माँ बाप की भी तो सेवा करेगी ना, उसमें भी तो समय लग जाता होगा उसे। तुम फिक्र मत करो, हम ना सब देख लेंगे। हाँ अच्छा चलिए, मेरे साथ नीचे चलिए, आप नाश्ता करते हैं फिर मुझे ऑफिस निकलना है। अच्छा 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 ठीक है, हम आते हैं जरा कमर में बाम वाम लगा के, तुम चलो हम आते हैं। मैं ये बाल्टी रख देता हूँ। हाँ ठीक है। जाके देखना पड़ेगा। आप मुझे मेरे ही घर में घुसने से मना कर रही हैं? मेहता जी, बात क्या है, आप इतना गुस्से में क्यों? आपने वादा किया था ना, एक हफ्ते के अंदर में मुझे मेरा पैसा दे देंगे। अरे एक चवन्नी भी नहीं मिली, तो अब गुस्सा नहीं करूं तो क्या करूं? देखिए आप शांत हो जाइए, आज शाम को मैं खुद लेके आऊंगा आपके पास पैसे। ठीक है? ठीक है, ये पुलिस कोर्ट कचहरी मुझे पसंद नहीं है, तो आप मुझे मजबूर मत कीजिएगा। और आज शाम तक हमारा पैसा हमारे घर तक पहुंच जाना चाहिए, समझे? चलता हूं, नमस्ते। कीर्ति, कल जो मैंने तुम्हें रुपए दिए थे मकान मालिक को देने के लिए, वो कहाँ है? अरुण जी, वो पैसे खर्च हो गए। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया क्या? अरे तुम्हारे लिए पैसा क्या हाथ का मैल ही है? कीर्ति तुम्हें समझ में नहीं आ रहा, अगर मकान मालिक ने हमें घर से बाहर निकाल दिया तो हम सड़क पे आ जाएंगे। तेरी पत्नी है वो, फिर तू उसे बैठ के अच्छे से समझाएगा, शायद वो बदल जाए। स्वीटू, मेरा मतलब है कि
तुम्हें ध्यान देना चाहिए था ना वरुण जी, वो पैसे हमने अपने लिए नहीं खर्च किए, घर के लिए खर्च किए। चलो ठीक, कोई बात नहीं, आ जाओ, चलो नाश्ता करते। अरे आ गए आप, मम्मी जी आप ही का इंतजार कर रही हैं, मैं उन्हें अभी बुलाकर लाती हूँ। रुको श्रद्धा, आंटी जी आज मेरी जिंदगी का सबसे खास दिन है, मुझे मेरी कमाई का पहला चेक मिला है। ये तो बड़ी खुशी की बात है, बहुत बहुत बधाई हो बेटा, ऐसे ही तरक्की करते रहो। अरे नहीं बेटा, कैसी बात कर रहे हो, मैं ये नहीं ले सकती। नहीं नहीं आंटी, आपके लिए, वो आपने जो मुझे पैसे दिए थे ये उसकी पहली किस्त है। आपने और अंकल ने मुझ पर विश्वास दिखाकर मुझे पैसे दिए, आज मैं उसी से कामयाब हो पाया हूँ। बेटा ये तुम्हारी कमाई का पहला चेक है, मैं इसे माता रानी के चरणों में रखकर आती हूँ। खुश रहो, माता रानी तुम्हें ऐसे ही तरक्की देती रहे। श्रद्धा एक और चीज है। क्या? ये तो बहुत ही खूबसूरत है, इसके बारे में मम्मी को पता नहीं चलना चाहिए। तुम जल्दी से जाके इसे ऊपर रखो, मैं तुम्हारा बाहर इंतजार कर रहा हूँ। ठीक है। श्रद्धा कीर्ति के एकदम उलट है, वो ऐसा सोच भी नहीं सकती, फिर भी आपने उससे ऐसे बात की। ऐसे समझाएंगी आप, उसमें झाड़ू पोछा फेंक के मम्मी आज आपने हद मार कर दी है, और अगली बार अगर आपने ऐसा कुछ किया तो अरे बेटा सुबह से आप सिर्फ हमारी नहीं बल्कि सबकी इतनी खातिरदारी कर रहे हैं, अब आप आराम से बैठिए और हमें भी मौका दे। आपकी बेटी यहाँ होती तो वो भी सबका ख्याल रखती ना, उसका 50% भी मैं कर लूँ ना तो फिर लगेगा मुझे मैंने कुछ किया है। अरे सारा से काम के लिए तुम कितना वक्त लगाती हो? जैसे तैसे छुप के आई हूँ, पता भी है आपको। वैसे तुमने वो हार अच्छे से संभाल के और छुपा कर रख दिया ना, वो हार मम्मी को पसंद आएगा ना, इन चीजों में तुम्हें मम्मी की पसंद का ज्यादा पता है ना। हाँ अभय, आप इतनी फिक्र क्यों कर रहे हैं, आप अपनी पहली कमाई से मम्मी जी के लिए इतना सुंदर तोहफा लेके आए हैं, देखिएगा वो हार उनको बहुत पसंद आएगा। मुझे तो बस उनके चेहरे पे वो चमक, वो गर्व देखना अपने लिए, जब उनके जन्मदिन पर ठीक 12 बजे मैं उनको वो हार पहनाऊंगा। अच्छा चलो बहुत काम है। अच्छा आपने वो बिजली वाले से बात की? हाँ मेरी बात हुई, बिजली तो आ गई है पर अभी ज्यादा लोड नहीं डाल सकते हैं, वो कल फिर से आगे एक बार देखिएगा, उसके बाद हम घर लौट सकते हैं। इस बार तो मम्मी को हैरान कर देंगे उनके जन्मदिन पर। हाँ चलिए। श्रद्धा वैसे वो हार पक्का मम्मी को पसंद आएगा ना? हाँ अभय चलिए।
चाहिए था आपको? मैं मदद करती हूँ। आंटी जी, अब आप ही निपटाइए, मुझे बार बार अभय का फोन आ रहा है, वो पूछ रहा है मिला या नहीं मिला। आपको मिल गया ना? अरे हाँ, मैं खोज के एकदम थक गए, जैसे एकदम सूख रहा है। यशवि जी, एक ग्लास पानी ले आइए ना। जी अभी लाती हूँ। बेटे को हमने पाल पोस के बड़ा किया, पता नहीं ये दीक्षित परिवार ने उस पर कौन सा जादू कर दिया। अरे बेटा, अपनी पहली कमाई बीवी की माँ के हाथ, पहला हाल बीवी के हाथ और खुद की माँ का क्या, उसको भूल गया क्या? से क्या हो गया ना आंटी जी, अब श्रद्धा पहनेगी ये महंगा हार और आपके मुंह को लगी है ये खाई हुई हार। अब ऐसे ही बहू की अलमारी में चोरी छुपके झांक झांक के जियो और क्या। आंटी जी, अब अपने अपने सोच की बात होती है ना, मैं अगर इस जगह पे होती ना तो आपको सबसे ऊपर रखती। और वैसे भी पति के माँ के आशीर्वाद से बड़ा तो और कुछ भी नहीं होता ना। आंटी जी मैं बता रही हूँ, ये दोनों बहनें ना हमारे परिवार को तोड़ने में लगी। छोटी बहन मुंहफट बन गई और बड़ी बहन प्यार से भटका गई। काटिए तो कहीं सपना तो नहीं देख रहे? ये वरुण और कीर्ति है ना, लेकिन ये लोग हमारे द्वार पे। कौन काटता है ऐसे? ध्यान से देखिए बुआ जी, हम ही है। सच सच बताओ तुम, हमसे बिना झगड़ा किए तुम्हें नींद नहीं आती ना? हाँ, इसलिए आई हो ना, या फिर से आ गई पुलिस घर में? माँ, हाँ माँ, पहले आप हमारे लिए आंटी थी, फिर मम्मी जी बनी। हमें पता है कि कुछ दिनों में हम दोनों के बीच बहुत कड़वाहट आ गई, पर हम अपने दिल पर हाथ रखकर कहते कि हमारे मन में ऐसा कुछ भी नहीं है। कितनी आप, क्या हम अपनी माँ के साथ एक नई शुरुआत कर सकते हैं? क्या कल शाम को आप सब हमारे साथ खाना खाएंगे? पापा, आप सब आएंगे ना? बताते हैं। ठीक है। अब आप सब सो जाइए, रात भी बहुत हो गई। कीर्ति चलो। भाभी, ये गोल गोल बातें ना सुनने में बड़ी अच्छी लगती है, लेकिन कब गोलमाल हो जाए पता नहीं चलता। और ये लड़की ना एक नंबर की कांडी है, जरूर कोई कांड किया होगा इसने, हम बता रहे हैं। तो पहली बार उन्होंने सच्चे मन से हमें माँ पुकारा है। आपको उनकी आवाज में अपनापन नहीं महसूस हुआ? हमें तो लगता है सब ठीक हो जाएगा। फिर उसी उम्मीद की राह पे नैना जी, आपका दिल पहले भी टूटा है या?
और ऐसे रातों रात कोई नहीं बदलता। हाँ, एक शाम का खाना खाने में हमें कोई हर्ज नहीं है। सासू माँ को मां बनाने का चक्कर हमें समझ में नहीं आ रहा। जरूर इसके पीछे कोई तो राज छुपा है। हम पता लगा के रहेंगे। पता रहे। ऋतु नाम है हमारा। अपने घर में चूहों की तरह आना पड़ रहा है। दुआ जी के पेट में बात कहाँ बचती गई? जाके सुना देगी मम्मी को कि हम यहाँ आए थे। आज की ताजा खबर बोल के। पता है बाइक भी घसीट के ना पिछले गली में छोड़ के आया। ये देखो आपको। अब एक काम करो, तुम किचन में जाके तैयारी शुरू करो, मैं हाथ मुंह धो लेता हूँ। ठीक है। अरे मैंने तुम्हारी चप्पल ले लेनी। सॉरी। देखा नहीं है जग में तुम जैसा कहीं, सौ जन्म भी कम पड़े देखूं तुझे जो यूं ही, ऐसे हुए हैं तेरे दीवाने, बिन तेरे दिल अब मेरा ना माने। किस्मत की लकीरों से, किस्मत की लकीरों से पाया है मैंने तुझको अपने नसीबों से, किस्मत की लकीरों से। एक मिनट, अब कोई दिक्कत नहीं होगी। चलो मैडम जी, अब जल्दी जल्दी हाथ चलाओ, 12 बजने को कुछ ही वक्त बचा है। भगवान, इतनी रात हो गई है और दोनों अभी तक बाहर घूम रहे। अरे जन्मदिन में भी इसे अपनी माँ के साथ नहीं जाना। हम फोन लगा था। यार मम्मी का फोन आ रहा है। मम्मी जी का फोन आ रहा है, आपको बात कर लीजिए ना। अरे ये फोन काहे नहीं उठा रहा है? हम फिर से लगाएंगे। हाँ मम्मी। अरे क्या हुआ भाई, तुम दोनों की घड़ी खराब हो गई या दोनों ने ही फेंक दिए कहीं? अरे इतनी रात में कहाँ घूम रहे हो तुम लोग? अरे मम्मी कहीं नहीं घूम रहे हैं, कुछ काम से बाहर गए थे, बस आ रहे हैं घर पे। फौरन आओ। और कितनी बार तुम्हें बताना होगा कि रात तक बाहर नहीं घूमते हैं? अरे कानपुर की राजधानी एक्सप्रेस, थोड़ा शांत हो जाओ। आ रहे हैं बस घर पे, आधे घंटे तक पहुंच जाएंगे। अरे जल्दी पहुंचो घर, हम इंतजार कर रहे हैं कब से। सब ठीक है? अरे मैडम जी जल्दी जल्दी काम करो, तो फोन भी आ गया। चलो चलो। सुनो श्रद्धा, अब वैसे खोया तो आपका बेटा अभय गया श्रद्धा के प्यार में। देखिए ना, आपका जन्मदिन ही भूल गया। लो आ गया हमारे बेटे का मैसेज। यशवी जी, क्या हुआ तनुजा जी? ये लीजिए देखिए, आपको पता था ना ये सब के बारे में? नहीं तनुजा जी, हमें झूठ। हमारे जन्मदिन में आपकी बेटी हमें अपने बेटे से ही दूर कर दी, वो भी ये सब के लिए।